प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए आज पहले चरण में 11 निगमों में वोटिंग हो रही है। प्रदेश भर में सुबह 9 बजे तक 14% मतदान हो चुका है। कुल 133 नगरीय निकायों के लिए 13,148 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। खंडवा में निकाय चुनाव के मतदान की पूर्व रात आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ। बीजेपी विधायक और नगर अध्यक्ष ने अपने वाहन के हूटर से नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस वार्ड में चुनाव प्रचार हुआ वहां के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आपत्ति ली तो नगर अध्यक्ष और पूर्व पार्षद दबंगाई पर उतर आए। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक इंदौर समेत प्रदेश भर में अति भारी बारिश होती रहेगी। एमपी के मध्य में लो प्रेशर एरिया बनने से भारी बारिश हो रही है। नए सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश मॉनसून का केंद्र बन गया है। भोपाल में 2 दिन बाद अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के वार्ड 12 में ठाकुर कमल सिंह स्मृति विद्यालय शारदा नगर के पोलिंग बूथ पर कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर गुप्ता का नाम लिखी टेबल पर ईवीएम को रखा गया। सुधीर गुप्ता इसी वार्ड से पार्षद भी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मिनहाज आलम ने इसकी शिकायत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह अधिकारियों का एक प्रत्याशी के प्रति मौन समर्थन है। ग्वालियर में घाटीगांव आरोन के जंगल में 3 लाख रुपए के मवेशी लूटने के बाद एक चरवाहा की हत्या कर दी गई है। 3 दिन पहले चरवाहा 25 मवेशी लेकर चराने के लिए बेरखेड़ा के जंगल में निकला था, पर उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं था, न मवेशी लौटे न चरवाहा। 3 दिन बाद चरवाहा की लाश बेरखेड़ा के जंगल में पड़ी मिली है।